जब तक इस बिल्डिंग से कोई घटना नहीं घट जाएगी तो मेरे हिसाब से कोई सुनवाई नहीं होगी। कितना हैवी टावर है, बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हुई पड़ी है, जो इसके जो लेंटर है वो भी नीचे गिरते हैं। दूसरा, इसमें गुंडे बदमाश भी यही आके छिपते हैं, तो हमें तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कुछ नशेड़ी लोग भी आते हैं, बिल्कुल चोरी करके। मालिक कहाँ रहते हैं? फॉरेन रहते हैं, अमेरिका रहते हैं। दो मोहल्लों से लगता है, मोतीनगर और पीछे मेहतानगर से लगता हुआ ये प्लॉट है, और इसमें सारे हर तरीके के कार्रवाई होते हैं। लोग चोर करके ब्लेड स्लेट सब मार चुके। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। फिलहाल तस्वीरें हैं हिसार के रेलवे फाटक के नजदीक पड़ने वाले मोतीनगर की, जहां पर आप तस्वीरों में ये जो घर देख पा रहे हैं इसकी हालात आप देख पाएंगे तो ये बिल्कुल खंडर हो चुका है। आपको अंदर ले जाकर दिखाना चाहूँ तो फिलहाल यहाँ पर जेसीबी का काम चल रहा है, और इस ओर से अगर हम निकलने की कोशिश करें तो काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो घर है ये आज के इस विवाद का कारण बना हुआ है। यहाँ पर जो इस खंडर घर जो बना हुआ है, इसके जो मालिक हैं वो विदेश में रहते हैं, और स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो घर है यहाँ पर जो है गलत काम होते हैं, नशेड़ी लोग आते हैं। और यहाँ पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो छतों के हालात है, दीवारों के हालात है, वो बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं। काफी खंडर ये नुमाए मकान बन चुका है, और इसके ऊपर जो है टावर लगाने की तैयारी कर ली गई है, लेकिन स्थानीय लोगों का विरोध लगातार जारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेडिएशन की वजह से काफी नुकसान हो जाते हैं। और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि पूरे घर की किस तरीके से जो घर है इसमें कोई नहीं रहता, क्योंकि इसके जो मालिक है वो इंडिया से बाहर यानी विदेश में रहते हैं, और इंडिया के इस मकान में जो इनका जो घर है इसके ऊपर टावर लगने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन स्थानीय लोग लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर मौके पर डायल 112 को बुलाया गया, SHO साहब यहाँ पर मौजूद है, और उसके बाद स्थानीय लोग पूरी तरीके से यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे। तो चलिए यहाँ पर पहुंचे लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि क्या वजह है आज के इनके विरोध की, और इस घर के मालिकों ने कहाँ रहते हैं, क्या उनसे उनकी बात हुई, किस तरीके का विरोध है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि फिलहाल मोतीनगर जो डबल फाटक के नजदीक पड़ता है, जी हाँ, रेलवे डबल फाटक के बिल्कुल नजदीक पड़ने वाले इस मोतीनगर के घर की तस्वीरें, जहां पर गेट पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टूटा हुआ है। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि स्थानीय लोग यहां पर विरोध स्वरूप इकट्ठा हो चुके हैं, और दूसरी ओर जो है पुलिस प्रशासन की पूरी टीम यहां पर मौजूद है, और आप देख पा रहे हैं कि महिला पुलिस, पुरुष पुलिस, SHO साहब सभी यहां पर मौजूद हैं। तो यहां पर पहुंची महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी कैमरे के माध्यम से आपको अंदर के हालात दिखाए कि किस तरीके से नशेड़ी लोग भी यहां पर पहुँच कर जो है गलत काम करते हैं, तो स्थानीय लोगों के ऊपर जो है काफी इस चीज़ का बुरा असर पड़ता है। नमस्कार मिस, नमस्कार। अभी अंदर के हालात हमने देखे, बहुत खराब है, बहुत जर्जर हो चुकी है, तो अभी आज आप क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है? हम तो इस टावर के लिए विरोध कर रहे हैं, बिल्डिंग के लिए भी, ठीक है, क्योंकि दोनों ही चीज, क्यों बिल्डिंग या टावर किसी पे गिरेगा तो किसी न किसी का नुकसान होना है, आपको पता है। और कितना हैवी टावर है, बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हुई पड़ी है, जो इसके जो लेंटर है वो भी नीचे गिरते हैं। दूसरा, इसमें गुंडे बदमाश भी यही आके छिपते हैं, तो हमें तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कुछ नशेड़ी लोग भी, नशेड़ी भी आते हैं, बिल्कुल चोरी करके। मालिक कहाँ रहते हैं? फॉरेन रहते हैं, अमेरिका रहते हैं। क्या उनसे संपर्क करने की कोशिश आपसे बात हुई? सर, मैंने उनसे संपर्क बहुत बार किया, उनको मैसेज किए हैं, बकायदा सारा लिख के भेजा है, गली का हाल, इनके घर का हाल, क्या क्या होता है आपके घर में। वो जो मैम है ना, वो मेरे मैसेज सीन कर लेती है, पर कोई रिप्लाई नहीं करती है। मैं उनको ये कहती हूँ, मैम आपके जो मन में, आप रिप्लाई तो करो, हमें बताओ तो सही, लेकिन वो मैम कोई रिप्लाई नहीं करती है, मैसेज सीन कर लेती है। इस मामले को लेकर मैंने सुना कि आप कोर्ट में भी गए हो, उसके बाद हम लोग स्टे ले आते हैं। सर, ये होता है, स्टे ले आते हैं तो ये टावर उतरने के लिए फिर बंद हो जाता है। अगर ये टावर नहीं उतरता, ये बिल्डिंग इतनी कंडम हो चुकी है, ये पूरे हमारे मोतीनगर के लिए टावर इतना बड़ा कहीं भी गिर सकता है, नुकसान है उसके लिए भी। कहीं ना कहीं रेडिएशन का सबसे बड़ी बात ये है
टावर चाहे ऊपर लगा है, टावर चाहे नीचे लगा, टावर लगना ही नहीं चाहिए। रेडिएशन इतनी है, इसकी वाइब्रेशन इतनी है, टावर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। हमारी सारी गली इस टावर के विरोध में है। कितने समय पहले टावर लगा? ये सर हो गए 15-16-17 साल हो गए। 23 साल से आप लोग इस परेशानी को झेल रहे हैं, और इसके लिए आप कोर्ट में भी जाके चुके हैं। तो फैसला किसके हक में आया? फैसला सर इन्हीं के हक में आता है, क्योंकि इनके कोई मिलने वाली फैमिली में कोई अच्छी पोस्ट पे है, वो हर बार आता है, अपनी चलाता है, हर बार पैसे से लगा लो या किसी बल से लगा लो, ये आ जाते हैं। और जो इतनी जनता खड़ी है, इतना ये समाज खड़ा, उसके कोई मायने नहीं। क्या कभी वो इंडिया में भी आते हैं? आते हैं सर, इंडिया में आते हैं। उनकी सिस्टर रहती है फतेहाबाद में, उनको मिलते हैं। हैदराबाद उनकी सिस्टर रहती है, वहाँ जाते हैं। पंचकूला रहती है, वहाँ जाते हैं, पर इसको देखने कभी नहीं। भले इस मकान के जरिए आज भी पैसा कमा रहे हैं, बट उसका मेंटेन तो सर दूर की बात है, देखने नहीं आते, उनको सब पता है। और एक बात और है, पल पल की खबर है उनके पास कि इस मकान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन उनको आज ये भी खबर हो गई होगी कि आज हमारी ये चल रहा है, लेकिन उनकी सेहत पे कोई भी असर नहीं है। सर हम तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी गली में टावर नहीं लगना चाहिए। आप कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ असामाजिक गतिविधियां भी होती है, क्या कुछ रहता है दिन छिपने के बाद? क्या कुछ रहता है? यही चोर उचक आते हैं, शराब पी आते हैं, बैठ के शराब पीते हैं। कल को कोई कतल हो गया तो हम गली वाले फंसेंगे इस मामले में, तो इसको सुधार करना चाहिए ना, तो ये नहीं लगाना चाहिए टावर, ये हटाना चाहिए यहाँ से। ठीक है, वाइब्रेशन इसकी गलत है, इतनी तेज वाइब्रेशन है, बीमार रहते हैं। सामने पृथ्वी जी रहते थे, वो एक्सपायर हो गया, इसकी वजह से बीमार रहते थे वो। ठीक है, तो कहना कहीं इस रेडिएशन की वजह से कुछ की वजह तो है ही है मेन हमारे टावर के। सबको परेशानी होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सबको परेशानी होती है। इसकी हमने कंप्लेंट भी डाली है कि यहाँ नशे वाले लोग आते हैं, पुलिस आती है, थोड़ी देर आई, मुआयना किया, अपना चली गई, तुरंत फिर नशे वाले लोग आ गए। अगर उनका किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया तो उन्होंने पत्थर मारने शुरू कर रहे, ये कहाँ की तमीज है। ठीक है, तो कुछ लोग भी है जिन्होंने अभी यहाँ नोटिस लीगल नोटिस है आपके हाथ में, तो इनसे जान लेते हैं। सर कोर्ट में भी आपका ये मामला जा चुका है, सरकारी पेपर आपने लिया हुआ, क्या कुछ सरकारी पेपर हमने पुलिस स्टाफ से लिया है ये? जी जी, इन्होंने नहीं दिया हमें, हमने इनसे लिया है। ठीक है, अभी मौके पर डायल 112 को बुलाया गया, क्या कुछ रवैया रहा पुलिस प्रशासन का? भी प्रशासन तो वैसे तो पोलाइट है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वैसा इनसे कोई इस टाइप का कोई वो नहीं है हमारा। जी, लेकिन हम तो सिर्फ इसको चाहते हैं कि ये बिल्डिंग खंडर है और इसमें सारे अनैतिक कार्य सब कुछ होते हैं। दो मोहल्लों से लगता है, मोतीनगर और पीछे मेहतानगर से लगता है वो ये प्लॉट है, और इसमें सारे हर तरीके के कार्रवाई होते हैं। लोग चोर उचके ब्लेड स्लेट सब मार चुके हैं। जेसीबी लगी है तो वो किनके द्वारा लगवाई गई? क्या कुछ कार्रवाई? जो ठेकेदार है पुलिस पे, जो भी है इनका जो ठेकेदार है, जो इसने कर रखा है वो ही लेके आए हैं सब कुछ। अच्छा, आज से पहले भी ये लेके आए थे इस तरह ही, तब भी हमने रुकवाया था ये कह करके। मेयर साहब के पास हम जा चुके, सबके पास जा चुके, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। जब तक इस बिल्डिंग से कोई घटना नहीं घट जाएगी तो मेरे हिसाब से कोई सुनवाई नहीं होगी। अभी कुछ महिलाएं बता रही थी कि इसकी रेडिएशन की वजह से एक पृथ्वी जी उनको बिल्कुल बिल्कुल ये आपके सामने ही है, मिलवा देते हैं उनसे पृथ्वी जी से जी। वो बिल्कुल इस चीज से वो हैं। तो अभी फिलहाल आप क्या करने वाले हैं? इसका जो इस टावर का तो लगे 20-23 साल हो चुके हैं। बिल्कुल, तो 25 साल हो गए, लगातार आप इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब भविष्य में क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? अभी देखते हैं, शाम को बैठ के मीटिंग करेंगे सारे मोहल्ले वाले और फिर डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। एक महिला बता रही थी कि जो ऑनर की मालकिन है, वो फॉरेन रहती है, वो आती है बट यहाँ नहीं आती। इस बिल्डिंग से अब भी कमाई कर रहे हैं और मेंटेनेंस पे कुछ मेंटेनेंस का कोई है ही नहीं, कोई रख ध्यान ही नहीं है। अब ये कह रहे हैं नीचे लगाएंगे, नीचे तो हम नहीं लगने देंगे। ठीक है, इसको नीचे वाले तो रेंज फिर बिल्कुल नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मामला है पूरा इस रेडिएशन से भरे इस टावर का, जो फिलहाल छत पर लगा हुआ है, लेकिन जो ठेकेदार है फिलहाल इस टावर को जो है, जहां पर आप जेसीबी की सफाई देख पा रहे थे कि वहां पर लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। जी हां, फिलहाल यही वो मौके की तस्वीर है जहां पर जेसीबी से इस जगह को साफ किया जा रहा है, प्लेन किया जा रहा है। और मोहल्ले वालों का आरोप है कि जो ऊपर टावर लगा हुआ है लगातार पिछले 25 सालों से, उसे जो है नीचे शिफ्ट करने का काम जो है भविष्य में होने वाला है, जिसके
के विरोध में साफ तौर पर मोहल्ले वासी जो इकट्ठा हो चुके हैं। और यहाँ तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की पूरी टीम जो है, पुलिस प्रशासन का पूरा अमला, महिला पुलिसकर्मी और पुलिस प्रशासन के जवान, सीनियर अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मौके पर स्थिति को संभालते हुए फिलहाल बातचीत का दौर जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम को एक मीटिंग करके एक बड़ा फैसला लेने की जो है बात निकल कर कही जा रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में जब गौतम सरदाना मेरे थे उनसे भी मिला गया था और उसके अलावा कई सीनियर अधिकारियों से भी उन्होंने बातचीत करने की कोशिश करी थी। अंत में फिलहाल एक बार फिर से बता दूं कि गली मोहल्लों के अंदर इसी तरीके से रेडिएशन वाले टावर्स को कहीं ना कहीं जो है होना सावधानी के नज़रिए से, सेहत के नज़रिए से जो है सही नहीं माना जाता है। ऐसे में फिलहाल डबल फाटक के नज़दीक, मोती नगर, मेहता नगर के नज़दीक की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर पिछले 25 सालों से एक बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है और इसकी जो मालकिन है वो विदेश में रहती हैं। लगातार स्थानीय लोग उनसे संपर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये जो बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, ना तो उसको मेंटेनेंस किया जा रहा है। अब जो जिस एजेंसी के पास ये टावर का ठेका है वो इस टावर को ऊपर से नीचे लगाने की बातें कही जा रही है, और जिसके विरोध में आज पूरा मोहल्ला जो है इकट्ठा हो चुका है। मौके पर डायल 112 को बुलाया गया। शाम को एक महत्वपूर्ण मीटिंग के जरिए जो है मोहल्लावासी एक महत्वपूर्ण फैसला लेने की बातें कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी गली मोहल्ले के अंदर मोबाइल टावर होना कितना सही, कितना गलत, इस बारे में आपकी जो भी राय वो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।